ये देखो मेंटल मैथ क्लास नाइन, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10। ठीक है, चैप्टर 10 हीरोन्स फॉर्मूला। काफ़ी डिमांड आ रही थी, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे सर ये हीरोन फॉर्मूला करा दीजिए, तो मैं लेकर आया हूँ आज चैप्टर 10। क्या कहता है पर्सन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। क्या कहता है सॉल्यूशन देखो, द एरिया ऑफ एन आइसोसेल राइट ट्रेंगल इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं आइसोसेल ट्रेंगल ये बना लेता हूँ। आइसोसेल ट्रेंगल का मतलब होता है जिसकी टू साइड इक्वल होती हैं, ए बी सी, ठीक है। तो लेट ए बी इक्वल है ए सी के, तो इसका एरिया गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइप सॉरी यहाँ पर ये इस तरीके से नहीं आएगा, ये राइट एंगल भी है तो हम इसका राइट एंगल बना लेते हैं इस तरीके से, ये ऐसे यहाँ पर, ठीक है। ये ए और बी और सी, अब इसमें टू साइड इक्वल है, ये वाली ये साइड इक्वल है ये साइड, तो हमें ए सी फाइंड आउट करनी है और इसका एरिया गिवन है, एरिया गिवन है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो साइड है ये बेस और ये ए बी, ठीक है। तो हम इसमें कर लेते हैं लेट ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल भी आप लिख सकते हैं, इन विच, यहां पर इन विच, ये देखिए इन विच ए बी इक्वल बी सी, ठीक है। और ये इक्वल हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया एक्स के, ये भी एक्स हो गई ये भी एक्स हो गई। अब हमें एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी का हम एरिया निकाले तो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ये रहा बी सी, मैं लिख देता हूँ बी सी, या इस तरीके से लिख ले बी सी इंटू हाइट, हाइट है ए बी, इस तरीके से निकालते हैं तो 1/2 बी सी और ए बी हमने क्या माना, एक्स माना, तो एक्स इंटू एक्स ये होगा एरिया, बट गिवन एरिया क्या है 8, तो इसको 8 के इक्वल रख देना है। अब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं तो एक्स स्क्वेयर हो गया, साथ ही इधर क्या आ गया 2 आ गया नीचे, और ये क्या आ गया 8 आ गया। अब 2 इधर किस में, डिवाइड की फॉर्म में इधर आकर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा, तो इधर हम मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे 2 8 जाए, इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये लिख लेता हूँ मैं इस तरीके से, और क्या आ गया 16 आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर बच्चों ये 16 है, इधर ये स्क्वेयर था, इधर आकर ये स्क्वेयर रूट बन गया, ठीक है, इस तरीके से। तो 16 का स्क्वेयर रूट क्या होता है 4 होगा, तो ये आ गया बच्चों 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गई x। इसका मतलब क्या होगा मैं इधर बताता हूँ, तो ए बी आपकी 4 सेंटीमीटर है, साथ ही बी सी भी आपकी क्या 4 सेंटीमीटर है, हमें निकालनी है ए सी, हमें क्या निकालनी है ए सी निकालनी है, तो ए सी ये देखो ये ए सी निकालनी है। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम इसकी निकालें, लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक से अगर आपको देखा जाए तो हमें ये जो ए सी आएगी ये इसकी ए सी की लेंथ क्या होगी रूट अंडर रूट 2, ये आ जाएगा आपका ए सी का आंसर। ये कैसे आएगा आइए मैं इसको बताता हूँ करके, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए बेस स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। अब ए सी, ए सी तो हमें फाइंड आउट करनी है, यू का यू लिखेंगे ए बी क्या 4, तो 4 स्क्वायर और प्लस बी सी यानी ए बी 4 स्क्वायर, और 4 स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, और इधर भी 16 हो गया। अब हमें निकालना ए सी स्क्वायर, तो 16 और 16 क्या होता है 32 होता है, अगर हम 32 के इधर ये स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को हटाकर अगर इधर लेके आएंगे इक्वल के साइन से राइट साइड में, तो ये रूट के अंदर चेंज हो जाएगा। अब 32 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, मैं इधर निकाल के दिखाता हूँ, ये देखो 4 से कर लो, ठीक है, 4 8 जा 32, फिर 4 से 4 2 जा 8। अब बच्चों पेयर बन गया 4 का, अब जिस नंबर का पेयर बन गया उसमें से एक नंबर बाहर निकाल लेना है और जिस नंबर का पेयर नहीं बनता उसको अंदर रहने देना, ये आ गया बच्चों, ठीक है, सेंटीमीटर। तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे होगा ये, इसके लिए मैंने वीडियो डाली भी हुई है, आगे मैं इसकी एक्सप्लेन से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये भी देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। अब यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस जिसकी सभी साइड क्या होती है इक्वल होती हैं, ठीक है, तो उसकी एक साइड यहां पर गिवन है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पहले साइड ऑफ एन
इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 8, ठीक है 8। तो एरिया एरिया निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्या होता है रूट 3 बाय 4 और ए स्क्वेयर, ए का मतलब साइड से है यहां पर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। हीरोन के फॉर्मूले से भी निकल सकता है लेकिन इससे निकाल लीजिए, इजी हो जाएगा। तो रूट 3 बच्चों यहां पर बाय 4 और ए, ए क्या है 8 है, तो 8 इंटू 8 ऐसे करेंगे, ठीक है। 4 से 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा क्या आ गया 16 आ गया, तो 16 रूट 3 ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसको लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वेयर, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्क्वेयर सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप लिख दीजिए, एरिया को स्क्वेयर में लिखना होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपके सामने, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो को 9-10 मिनट की रखूँगा, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मैं कराऊँगा, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है देखो। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 540 मीटर एंड इट्स साइड आर इन द रेशो 25:17:12, फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करना है आइए, तो पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर से ही हम इसको निकालेंगे साइड, भाई साइड फाइंड आउट होंगी तभी तो हम एरिया निकालेंगे ना। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इक्वल टू 25x, 17x एंड 12x, ये इनको x के फॉर्म में ले लीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं यहां पर, तो पेरीमीटर, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, अगर हम तीनों साइड को ऐड कर दें इस तरीके से, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया, तो कितना आ गया 7 और 2 9 9 और 5 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 और 1 3 4 5 54x, ये आ गया बच्चों क्या आ गया, ये पेरीमीटर आ गया। बट गिवन पेरीमीटर वो भी लिख लीजिए, बट गिवन पेरीमीटर, बट गिवन पेरीमीटर 540 मीटर, ठीक है। तो भाई हमारा तो ये निकला 54x, लेकिन गिवन है ये 540, तो हम क्या करेंगे दोनों को इक्वल रखना है आपको, दोनों पेरीमीटर हो गए ना, तो दोनों को आप क्या करें इक्वल रख दे, तो 54x और इक्वल 540, ठीक है। इस तरीके से x की वैल्यू निकाल लो, तो x इक्वल 540, 54 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, 54 बन जा 54 और 0 की 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 10 आ गई। अब यहां पर साइड हम निकालेंगे, ठीक है, फर्स्ट साइड क्या है बच्चों 25x, ये रही 25x, तो 25 इंटू एक्स, एक्स जगह x की वैल्यू को पुट कर देना है, तो आ जाएगा 250 मीटर, ठीक है, इस तरीके से। तो आइए सेकंड भी निकाल लेते हैं, सेकंड साइड क्या होगी, सेकंड साइड है 17 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 170 मीटर, और थर्ड साइड आ जाएगी आपकी, ठीक है, तो थर्ड साइड है 12 इंटू 10, यानी 120 मीटर। अभी तीनों साइड आ गई, अब हमें क्या निकालना है, अब हीरोन का फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले हमें एस निकालना है, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, लेकिन पेरीमीटर तो गिवन है 540, अगर इसको 2 से कर दे, सेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, तो 2 से कर दे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, आइए 2 2 जा 4 2 7 जा 14, ये आ गया 270, तो एस आ गया। अब एस निकल गया तो हमें निकालना है हीरोन का फॉर्मूला लगा के एरिया, तो फॉर्मूला क्या होता है एस, और एस माइनस ए, एस माइनस बी,
और एस माइनस सी, ठीक है, ये होता है। और ये क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये होता है आपका पेरीमीटर होता है। अगर हम एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी को आपस में हम क्या कर दें, इनको ऐड कर दें, तो क्या निकल आता है, पेरीमीटर निकल आता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या, मल्टीप्लाई का साइन है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा कि ये पेरीमीटर हम इनका कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब एस की जगह क्या करना है, जो सेमी पेरीमीटर आया है 270, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 270 इंटू फिर एस माइनस ए, यानी 270 माइनस 250 लिख देते हैं। भाई साइड को, सभी तीनों साइड को माइनस करना है ना, तो 270 माइनस ये 170 लिख दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसको आगे कर लेते हैं और इंटू, ठीक है, या ब्रैकेट में डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 270 यानी एस माइनस सी, सी क्या है 120, ठीक है, इस तरीके से। आइए फैक्टर कर लेते हैं अब इसके, ठीक है, ऐसे फैक्टर करने की पेयर बन जाए। ये है 270, तो 9 इंटू 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, 9 थी जा 27, 27 10 जा ये आ जाएगा। आगे और देख लेंगे, अब यहाँ पर 270 में से 250 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, ठीक है, 10 का पेयर बन गया। तो आइए आगे कर लेते हैं, तो 270 में से 170 माइनस करें तो 100 आ जाएगा, और 100 को लिखेंगे 10 इंटू 10, ठीक है, यहाँ भी 10 का पेयर बन रहा है, तो स्क्वेयर रूट में पेयर बनाना पड़ता है। और 270 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 150 आ जाएगा, और 150 को लिख सकते हैं 3 इंटू क्या लिखेंगे, कितना आ गया, 150 आ गया ना, तो 3 इंटू 50 लिखे, ठीक है, ऐसे। तो देखो 270 में से 120 माइनस कर देंगे 051, ठीक है, 150 आ गया। अब देखो यहाँ पर 10 का पेयर बना, 9 का नहीं बना, तो 9 के और कर लीजिए थोड़े फैक्टर, ठीक है, तो 9 को लिख सकते 3 इंटू 3, ठीक है, ये 3 तो रहा, इधर लिख देंगे 3, और 10, 10 को आपको लिखना यूँ कहूँ 10 इंटू 2 इंटू 10, 10 का पेयर बन रहा है तो 10 को फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, 10 इंटू 10, ठीक है, 10 फोर टाइम्स 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से। और ये 3 लिखा, अब इसका कर सकते हैं हम 50 का, 50 का क्या करेंगे, 5 इंटू 5, ठीक है, 25 इंटू 2, तो इस तरीके से 2 का भी पेयर बन गया। अब देखो यहाँ पर ये 3 का पेयर बन रहा है और एक 3 का पेयर ये बन रहा है, तो इस पेयर में से हम 1, एक इस पेयर में से 1 3 बाहर निकालिए, सेकंड पेयर में से भी 1 3 बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब 10 कितने टाइम्स है, ये एक पेयर बन गया, एक पेयर ही बन गया, तो दोनों पेयर में से 110 बाहर आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब 2 का भी पेयर बन रहा है बच्चों, ये रहा, और साथ में किसका बन रहा है, 2 का पेयर बन गया और 5 का भी बन गया, तो इसमें से एक 5 आ जाएगा। आइए इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर निकल आएगा। अब बच्चों 5 2 10, ठीक है, ये हो गया, 3 3 9 9, और 10 10 जा कितना होता है, 100 होता है, और 5 2 5 जा कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। अब 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 9 1 जा 9, ठीक है। अब 0 2 0 इधर है, 1 0 इधर, तो 3 0 हो गई, और इसको लिख देंगे मीटर स्क्वेयर, दिस इज द आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर स्क्वेयर मीटर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर बन गया बच्चों। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 और 5 मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, तो ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।